हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस। तो अब हम ये बोर्ड बना रहे हैं। ये देखिए, मैंने इसमें लिया है फेविकोल, एमआर फेविकोल, मार्बल पाउडर और एक चम्मच पानी। मिक्स करके मैं ये अपने एमडीएफ बोर्ड पे पत्ती की हेल्प से फैला रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उससे इसे फैला सकते हैं। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स से डिज़ाइन भी बना सकते हैं बैकग्राउंड में। ये देखिए, मैंने ये पूरा बोर्ड पे फैला दिया है। अब हमारा बोर्ड रेडी हो चुका है। अब हम क्ले तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं ले रही हूँ मार्बल पाउडर, ये एमआर फेविकोल और एक चम्मच ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हैं इसमें, जैसे बेबी ऑयल, कोकोनट ऑयल, या फिर अगर आपके पास ये नहीं है तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसे आटे की तरह टाइट गूंथ लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब भी हम क्ले का वर्क करते हैं तो अपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल टाइट, जैसे हम पूरी वगैरह का आटा बनाते हैं बिल्कुल इस तरह से हम टाइट क्ले बना लेंगे। ये देखिए, हमारा सॉफ्ट क्ले रेडी हो चुका है। थोड़ा अगर अब हमें ये पतला लगता है तो थोड़ा सा और इस पे सूखा पाउडर डाल के कर सकते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा मैंने पानी में भिगो के टाइट से निचोड़ लिया है और उसमें अपनी क्ले रखी है और पॉली बैग में रख दिया है। फर्स्ट डे हमने क्ले बनाई है और अपना बोर्ड बनाया है। अब सेकंड डे हम अपना क्ले का वर्क करेंगे। देखिए, बोर्ड हमारा सूख गया है। अब हम अपना डिज़ाइन बना रहे हैं। आप इस क्ले से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने कपड़े में कल करके रखी थी बिल्कुल सॉफ्ट वैसे के वैसे ही है। ये देखिए, जब भी हम कोई भी क्ले का काम करते हैं तो पहले हम पानी लगा लेते हैं थोड़ा सा नीचे बोर्ड पे, और क्ले रख के जिस भी शेप में हमें उसे बनाना है उस शेप में हम हल्का सा पानी लगा के उसे उसी शेप में कर सकते हैं। ये देखिए, मैं पत्तियां बना रही हूँ। ये देखिए, क्ले को रखने के बाद हल्का पानी लगा के उसे प्लेन कर लेंगे और पेंसिल से उसके अंदर पत्तियों वाली लाइनिंग बना देंगे। ये देखिए, क्ले बहुत ही सॉफ्ट होती है और अच्छे से अपना किसी भी तरह का डिज़ाइन हमें बनाना है उसी ही हिसाब में ये ढल जाती है। ये देखिए, हाथ से फैला लेंगे, हल्का पानी लगा के हाथ से किसी भी शेप में हम इसे फैला सकते हैं। ये देखिए, पेंसिल की सहायता से हम इसके अंदर पत्तियों का डिज़ाइन बना लेंगे। याद रहे, बोर्ड पे हमेशा क्ले लगाने से पहले हल्का पानी ज़रूर लगा लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा क्ले लेते जाएंगे, पत्ती की शेप में इसे फैलाते जाएंगे। ऊपर से पानी का हाथ लगा के इसको प्लेन कर लेंगे और फिर पेंसिल से फ्लावर की पत्तियों में हल्की हल्की सी लाइन डाल देंगे। ये देखिए, क्ले इतनी सॉफ्ट होती है ये कि ज़्यादा इसको दबाने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का सा पानी लगा के जिस भी शेप में आप इसे करना चाहें आप कर सकते हैं।
ये देखिए पानी का हाथ लगा के ऊपर से इसे हल्का एक्सार कर लेते हैं और फिर उसके बाद लाइनिंग बना देते हैं पेंसिल से। ये देखिए अगर आप डबल पत्ती बना रहे हैं, बेशक आप थोड़ा सूखने के बाद बना सकते हैं, लेकिन मैंने हैंड टू हैंड बना दिए हैं क्योंकि मुझे ये बना के दिखानी थी। ये देखिए आप चाहें तो इस पे जैसे मैंने ये डबल पत्तियां बनाई हैं, आप इसे ट्रिपल में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर वेट ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैंने ये डबल ही बनाई हैं बस। इस तरह से सारी पत्तियों में हम लाइन बना लेंगे। ये देखिए फ्लावर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जैसे पेंसिल से थोड़े से बीच में निशान कर देते हैं, जैसे कि हमारे फूलों के बीच में होते हैं थोड़े। ये देखिए पेंटिंग रेडी है बिल्कुल। अब इसे सूखने के लिए 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए ये 2 दिन तक मैंने सुखाई है। सूखने के बाद आज हम इसमें कलर करेंगे। मैं इसमें एक्रेलिक और मेटेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें जो भी कलर यूज़ करें, आप इसमें एक सा कलर करके ऊपर से किसी भी मेटेलिक कलर से शेड भी दे सकते हैं हल्की सी, वो भी अच्छा लगेगा।